चंगी नौकरी की मैंने तो बधी गया चौकीदार की नौकरी कर कर दे बड़ा परेशान हाँ मैं तो खुद परेशान हाँ। अच्छा पुत्र हूँ तुसा बहो मालिक आवे तो उन्होंने को खाए मेरा बुहने पानी लाण गए। ए निजामो रुक कहाँ जा रहा? कौन है तू? तेरे को बोला ना तमीज क्या नहीं? चल हमारे साथ तो तमीज भी दिखाते हैं और तारुफ भी करवाते हैं। अच्छा हो रहा है मेरे को? तो चल तो चल हेलो चौधरी बजाज साहब आ जाए, बंदा पकड़ लिया है और किले पे बांधा हुआ है। ओए निजामू अब आए तो पकड़ में, ये कागजात पे अंगूठे लगा और जमीन अपनी मेरे नाम कर। ओए चौधरी ए जुल्म ना कर, मेरे निके निके बाल हैं, ये जमीन है तो पल दें। और नहीं परवाह मुझे तेरी और तेरे बच्चों की, परवाह है तो मुझे जमीन की। ओए नजीर और बशीर लगवाओ इससे जबरदस्ती अंगूठे। चौधरी को मैं उसके डेरे पे जाता हूँ, तू जा अपने बच्चों के पास। नजीर जाओ पटवारी को बुला के लेके आओ और इन कागजात को मुकम्मल करवाओ ताकि जमीन मेरे नाम हो जाए और मैं पूरे चक में किसी का एक मरला जमीन भी नहीं रहने दूंगा। ओ चौधरी और तेरे जुल्म भद से तजावज कर गए हैं, और तेरा बाप ऐसा नहीं था। इमाम साहब आप जाएं मस्जिद में नमाज पढ़ाएं, वो आपका काम है और ये मेरा काम है, मुझे करने दें, मेरे कामों में दखल अंदाजी ना दें। और कोई काम है तो बताएं। ओए हाँ हाँ है मुझे तुझसे काम, आज तुझे मेरे साथ जाना होगा, तो चल मेरे साथ, मैंने तुझे कुछ दिखाना है आज, आज तुझे मेरे साथ चलना होगा। चले इमाम साहब दिखाएं, आ जाओ भाई। इमाम साहब यह मुझे कब्रिस्तान क्या दिखाने लाए हैं? बेटा ये सारी दुनिया के इंसानों की आखिरी आरामगाह है, वो सामने देखो वो किसकी कब्र है। इमाम साहब मुझे नहीं पता हूँ। बेटा वो साथ वाले गांव का चौधरी था जिसके पास 100 मुरब्बा जमीन थी, वो भी लोगों की जमीन पे कब्जा किया करता था और इतनी ज्यादा जमीन बना रखी थी दुनिया में, इसके पास ये 2 गज जमीन का टुकड़ा है। आप इस दुनिया में जितनी मर्जी जमीन इकट्ठी कर लो, आपके मुकद्दर में सिर्फ यही 2 गज का टुकड़ा आना है, वो भी पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती। इमाम साहब मुझे एहसास हो गया है, अब मैंने जितने भी लोगों की जमीनों पर कब्जे किए हैं मैं आज ही जाके सारों को वापस कर देता हूँ और उनकी दुआएं लेता हूँ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम जब मरा तो अपने दोनों हाथ कफन से बाहर रखे ताकि दुनिया के इंसानों को पता लगे कि दोनों हाथ खाली जा रहा। हमारी सिलाई और मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।